नमस्कार भाइयों, मैं तीर्थपाल सिंह, मैं आपको चीज़ बर्गर बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम एक बर्गर लेंगे, उस बर्गर को दो भाग में काट लेंगे। उसके ऊपर हमने ये ग्रीन चटनी लगाई है। चटनी बनाना तो आपको आता होगा, नहीं आता होगा तो मैं बता सकता हूँ। आपको मिंट लेंगे, गार्लिक लेंगे और जिंजर लेंगे और उसमें पाउडर डालेंगे, उसको पीस लेंगे। हमें चीज़ बर्गर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले बर्गर चाहिए, बर्गर हमारे पास है, इस पर मैंने मिंट लगा दिया है ना, ग्रीन चटनी। एक वेज टिक्की चाहिए, जो वेजिटेबल की टिक्की हो, और उसके लिए थोड़ी सी चीज़ चाहिए, एक ककड़ी और टमाटर, एक पत्ता गोभी, उसके लिए एक मैंगो सॉस भी चाहिए, और चाट भी है, चाट मसाला। चलो हम तैयार करते हैं बनाना चालू करते हैं। ये टिक्की में टमाटर को डाल देंगे, ये टमाटर को डाल देंगे, टमाटर को डालने के बाद इस पर हम मीट डालें, ककड़ी, टमाटर, ऊपर से चाट मसाला डालेंगे। उसके बाद एक टिक्की लगा देंगे इसमें, इसके ऊपर भी चाट मसाला डाल देंगे। उसके बाद चीज लगा दें, पत्ता हुआ इसमें मैंने सोचा लेंगे, मैंने सोचा इसमें मिला लेंगे। ऊपर से इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, ऊपर इसके ऊपर टिक्की लगा देंगे, बराबर तैयार हो गया। अब इसको हम ओवन में, सॉरी, इसको पिज्जा बर्गर पिज्जा ओवन डालेंगे। इसको क्या है कि इसको ऊपर थोड़ा सेकना पड़ेगा, इसको रोस्ट करना पड़ेगा, इसके ऊपर बटर लगा के इसको सेक लेंगे। ये है पिज्जा ओवन, हम इसके अंदर डाल देंगे, देखिए इस पर राड जल रही है, देखिए तो हमने इसके अंदर डाल दिया है, थोड़ा गर्म होने दो। ये देखिए बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम दो भाग में काट देंगे, दो भाग में काट देंगे इसको। ये बनकर आपका रेडी हो गया, आपका पिज्जा तैयार हो चुका है। आप ऐसे घर पर भी बना सकते हैं, अगर पिज्जा ओवन ना हो तो कहीं उसको तवा भी सेक सकते हैं, दोनों परतों को पहले सेक लेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं।